आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुई मारपीट में घायल युवक ने क्षेत्रीय विधायक के पीएसओ सहित उनके भाइयों पर मारपीट का आरोप लगाया। घायल का आरोप है कि विधायक के पीएसओ अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए गांव में दबंगई की जाती है। मामला बैकुंठपुर के तिलखन गांव का है, जहां बीते दिवस खेत में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद में अंकित सिंह नाम के युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट में घायल अंकित सिंह को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां अस्पताल में भर्ती घायल ने सिरमौर विधायक देवराज सिंह के पीएसओ चंद्रदेव सिंह सहित उनके भाइयों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि बीते दिवस उनके पिता खेत में पानी लगा रहे थे, जिस बात को लेकर चंद्रदेव सिंह सहित उनके भाइयों ने विवाद करते हुए उनके साथ मारपीट की है। आरोप है कि पीएसओ द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए क्षेत्र में लोगों पर अपनी ध्वज दिखाई जाती है और इसी के चलते मारपीट की घटना के बाद उसे FIR दर्ज कराने में 6 घंटे का समय लगा है। फिलहाल घायल का उपचार अस्पताल में जारी है, जहां अब उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। आपके साथ मारपीट हुई, किसने की है? जी, मेरे साथ 2 तारीख को रात को 9 बजे तिलखन ग्राम में घटना हुई है। ब्रह्मदेव सिंह और चंद्रदेव सिंह उर्फ हीरो और इंद्रदेव सिंह अनुज और इनका एक भतीजा है बीरू निखिल सिंह, ये चारों लोगों ने मिलके मेरे पिताजी खेत में पानी लगा रहे थे, तो इन लोगों ने पानी के लिए मना किया। उस दौरान बहस हुई, पहले इन ब्रह्मदेव सिंह और निखिल वहाँ मौजूद थे, उन्होंने फ़ोन करके अपने भाइयों को भी बुला लिया है। उसके बाद जब हम लोग, हम और हमारी माँ जी वहाँ पर पहुँची और हम लोग अपने पिताजी को लेकर वापस आ रहे थे, तो ये लोग लाठी डंडों के साथ और रॉड के साथ लेके आए और पीछे से मेरे हेड पे चंद्रदेव सिंह ने रॉड से मारा। उसके बाद जब मैं गिरने लगा, उसी वक्त पे मेरे फेस पे रॉड से इंद्रदेव सिंह और अनुज ने वार किया, तो पूरा का जबड़ा फट गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे कमर पे, शोल्डर पे, दोनों लेग्स पे। कौन है और कहां से आए? जी, गांव के ही तिलखनी निवासी हैं ये चंद्रदेव सिंह जो हैं, ये विधायक पीएसओ हैं वर्तमान में और ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल पोजीशन का हमेशा ही करते आए हैं। ये सिरमौर विधायक के पीएसओ हैं और ये आए दिन ऐसे ही गांव में करते रहते हैं और इनकी कहीं भी इतनी पहुंच है कि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और गांव में ये अक्सर आतंक फैलाए हुए हैं। ये